इमाद वसीम को एक दफा फिर से नजरअंदाज कर दिया गया वर्ल्ड कप के स्काउट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट हुई, इसमें इमाद वसीम का नाम शामिल नहीं है और उसके साथ साथ मोहम्मद आमिर भी शामिल नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजर्ड हुए थे, उनकी जगह पर कौन सा खिलाड़ी आया है ये जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन हजरात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन दोस्तों ने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया वो फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले एक नजर डालते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्काउट के हवाले से। अगर बात करें कप्तान बाबर आजम होंगे, वाइस कप्तान शादाब खान, शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक, फाखर जमान, सुलेमान अली आगा, हारिस रऊ, मोहम्मद नवाज, साउद शकील, मोहम्मद वसीम जूनियर, अब्दुल्ला शफीक, इफ्तार अहमद, हसन अली और उसामा मीर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्काउट का हिस्सा होंगे। यहां पर बात करें अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो फास्ट बॉलर नसीम शाह, उसकी इंजरी के बाद रिप्लेसमेंट है हसन अली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल हुआ था। याद रहे कि इससे पहले हसन अली एक ट्वीट भी किया था कि मैं 29 साल का भी यंग हूं, क्या मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर दूं अगर मेरी जगह पर किसी और लड़के को लेके आना है। तो हसन अली का ये ट्वीट काम आ गया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स ने हसन अली को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में सिलेक्ट कर लिया। हसन अली के परफॉर्मेंस की बेस पर बात करेंगे, अगर हसन अली की बात करें तो हसन अली ने पिछले मैचेज में कोई परफॉर्मेंस खास नहीं दी, मास वाई एक चैंपियंस ट्रॉफी में हसन अली बेहतरीन और उमदा बॉलिंग और उमदा लय में नजर आए थे। अगर वो यहां पर भी क्लिक कर गए उसी लय में नजर आए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप जीतना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये डेथ ओवर में जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं और मिडल ओवर में भी आकर विकेट्स लेते हैं, जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी मिडल ओवर्स में आकर विकेट्स लेते रहते हैं। वहां पर मोहम्मद आमिर, शहीन शाह अफरीदी और हसन अली पाकिस्तान के तीन फास्ट बॉलर थे, जिसमें अटैकिंग में आमिर और शहीन शाह अफरीदी विकेट्स लेते थे जबकि मिडल्स में आकर हसन अली विकेट्स लेते थे। उम्मीद करते हैं कि यहां पर भी वो अपनी रवायत बरकरार रखेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बेहतरीन और जबरदस्त किस्म के स्टार्स देंगे और अपने लिए भी उनका कैरियर बेस्ट वर्ल्ड कप है। अगर वहां पर क्लिक कर गए तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में रेगुलरली खेल सकते हैं, अगर वो यहां पर क्लिक ना किए तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हसन अली यहां पर बेहतर परफॉर्म दिखाए और परफॉर्मेंस दिखाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में कलीदी किरदार अदा किए। इसी उम्मीद और दुआओं के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।